Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास इन्फिनिक्स का नोट 12 प्रो 5G है तो मैं आपको बताऊंगा इस फोन की स्मार्ट कॉल सेटिंग के बारे में, क्या है स्मार्ट कॉल, किस तरह से अपनी कॉल को आप स्मार्ट कर सकते हैं, इनके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो कुछ स्टेप रहेंगे इस वीडियो के अंदर जिन्हें फॉलो कीजिए, जिसके बाद आप अपनी कॉल को बहुत आसानी से स्मार्ट कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन की जो सेटिंग रहेगी इसको ओपन कीजिए, जिसके बाद यहाँ से हल्का सा स्क्रॉल करके नीचे की साइड आ जाइए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक सिक्योरिटी ऑप्शन, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जिसके बाद यहाँ से स्क्रॉल कीजिए तो आपको फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपका स्क्रीन लॉक है फ्रेंड्स उसको आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, जो भी स्क्रीन लॉक आपने बनाया उसको आप यहाँ पर लगा दीजिए। स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जिसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से ये फीचर आपका डिसेबल देखने को मिलता है। ये फीचर है एक्सेप्ट कॉल का, अगर आप इसको यहाँ से इनेबल रखेंगे तो आपके फोन से आपसे कोई भी कॉल वगैरह आती है तो अपने फिंगरप्रिंट को टच करा के अपनी कॉल को बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। मतलब कॉल को आंसर आप करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट को टच करा दीजिए तो कॉल आपकी आंसर हो जाएगी। अगर आप अपने अलार्म को डिसमिस करना चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन को इनेबल रहने दीजिए तो अलार्म को भी आप फिंगरप्रिंट से टच करा के अलार्म को भी स्टॉप कर सकते हैं। थोड़ा सा बैक आ जाएगी फ्रेंड्स यहाँ से, और जिसके बाद आपको चले जाना है यहाँ से थोड़ा सा और वापस स्क्रॉल करके जाना है नीचे की साइड तो आपको देखने को मिलेगा स्पेशल फंक्शन, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे यहाँ से, यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्शन एंड जेस्चर्स, सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखने को मिलेगा राइज टू ईयर, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो और इस फीचर को इनेबल कर देंगे तो आपके फोन पे रिंग होती कॉल को आप अपने स्क्रीन से टच मत कराइए। अगर ये फीचर आपने इनेबल करके रखा है तो सिंपली रिंग होते हुए फोन को आपको कान की साइड ले जाना है, मतलब जैसे अपने फोन को कान पे रखेंगे ऑटोमेटिक वो कॉल आपकी आंसर हो जाएगी। तो देख सकते हैं ना कितना अमेजिंग फीचर इस फोन का, जो कि कॉल को आप विदाउट टच किए, मतलब अपने कॉल को विदाउट टच किए आंसर करा सकते हैं। थोड़ा सा बैक आने के बाद आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट स्क्रीन ऑन, इसको यहाँ से इनेबल कीजिए यहाँ से इस तरह से। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने फोन को छोड़ देना है, जैसे ही आप अपने फोन को रिसीव करेंगे आपकी स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। ये इस तरह से आपके काम आ जाता है। नीचे के साइड आप देख सकते हो फ्रेश फोन कॉल का एक ऑप्शन अवेलेबल है, जब आप इसको इनेबल रखेंगे तो आपके फोन पर कोई भी कॉल्स वगैरह आती तो आपकी जो फ्लैश लाइट रहेगी वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी, तो पता चल जाएगा आपको कि आपके फोन पर कॉल्स आती है तो स्मार्ट कॉल में इनका यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक्सेस सेलिब्रिटी, सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद यहाँ से हल्का सा स्क्रॉल कीजिए तो आप देख सकेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पावर बटन टू एंड कॉल, जब आप इसको इनेबल रखेंगे यहाँ से तो आप देख सकते हो अपने फोन पर कोई भी कॉल्स वगैरह आएगी उसको अगर डिस्कनेक्ट करना है पावर बटन को प्रेस करा के आप उसको डिस्कनेक्ट कर पाएंगे। तो इन फीचरों का यूज करके अपने कॉल को बहुत आसानी से आप स्मार्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो काफी ज्यादा ये अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।